अस्सलाम वालेकुम डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 काउंटडाउन है और आज हम एक्सरसाइज नंबर 2D का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बुक पर स्टार्ट करेंगे। और जी, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चों आज आप डेट और सिटी मेंशन करेंगे। पेज नंबर 79 है आपका। यहाँ आपकी आज की डबल डिजिट्स की साथ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट है, तो आज हम डबल डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे जो है हम पहले आप इससे पहले जो एक्सरसाइज के अंदर आपने जितनी भी मल्टीप्लिकेशन की वो सिंगल डिजिट्स की थी, यानी कि सिंगल डिजिट से आपने मल्टीप्लाई करना होता था और कैरिंग की ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन अभी आप डबल डिजिट्स के साथ नंबर करना मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और ये आज आप काम करेंगे। जी, क्वेश्चन इज़ दैट 52 मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से, और वंस प्लेस पे जो नंबर दिया गया है उसको पहले वन से, फिर नेक्स्ट जो है वंस जो है को टेंस नंबर पे दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, आपको ये मालूम है कि ज़ीरो जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा ज़ीरो ही आता है। ज़ीरो टू ज़ार ज़ीरो, देन ज़ीरो मल्टीप्लाई टू द टेंस नंबर के प्लेस से ज़ीरो फाइव ज़ार ज़ीरो। देखिए, फर्स्ट नंबर जो वंस प्लेस का है उसकी मल्टीप्लिकेशन आप कंप्लीट हो गई, यानी कि ज़ीरो को हमने टू से भी मल्टीप्लाई कर लिया और ज़ीरो जो है देन मूव टू मल्टीप्लाई टू द फाइव, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम टेंस प्लेस के नंबर की तरफ बढ़ेंगे और टेंस प्लेस पे जो हमें नंबर दिया गया है वो हमारा एट है, यानी कि जब हम टेंस प्लेस के नंबर की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले वंस प्लेस के नीचे, अगर टेंस प्लेस का आंसर वंस प्लेस के नीचे आएगा तो वो रॉन्ग होगा, इसलिए हमने वंस प्लेस को के नीचे वन नंबर के नीचे हम या तो ज़ीरो लगा देते हैं या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ठीक हो गया। अब हम टेंस प्लेस के नंबर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन टू द फाइव। एट टू ज़ार सिक्सटीन, सिक्स इज़ हेयर एंड वन गोज़ टू कैरी। एट फाइव ज़ार फोर्टी, और वन जब कैरी प्लस हो जाएगा 41। अब 41 एज हमने होल लिख दिया, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास 5 की बैक साइड पे 100 पे प्लेस पे कोई नंबर नहीं दिया गया। सो अब लास्ट पे हम मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में हमारा जो काम होगा वो दोनों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्प्लीट हो गई, अब हम इसको प्लस कर लेंगे। ज़ीरो में कोई नंबर प्लस नहीं हो रहा तो ज़ीरो, सिक्स ज़ीरो में कोई नंबर प्लस नहीं हो रहा तो आंसर सिक्स ही रहेगा। वन के ऊपर हमारे पास कोई नंबर नहीं है, वन इज़ वन एंड फोर भी फोर ही रहेगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ज़ीरो मल्टीप्लाई टू द सिक्स एंड नेक्स्ट ज़ीरो मल्टीप्लाई टू द थ्री। ज़ीरो सिक्स आर ज़ीरो, थ्री ज़ीरो आर ज़ीरो। नेक्स्ट, अब हमने टेंस को स्टार्ट करना है। टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम ज़ीरो के नीचे, वंस प्लेस के नीचे हम नंबर के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, या हम ज़ीरो भी लगा सकते हैं, जो आप चाहें लगा सकते हैं। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। अब हम टेंस को स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट। ज़ीरो सेवन सिक्स आर फोर्टी टू, फोर्टी टू में टू नंबर जो है वंस प्लेस पे है, इसलिए हमने टू को नीचे राइट करेंगे और फोर को कैरी ट्रांसफ़र करेंगे। थ्री सेवन आर ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन में फोर प्लस होके ट्वेंटी फाइव, 25 हमने होल नंबर राइट कर दिया, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास 3 की बैक साइड पे नंबर नहीं है। अब जब मल्टीप्लिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई, दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हम लास्ट स्टेप हमारा प्लस करने का होगा। हमने जो मल्टीप्लाई नंबर्स को किया, इन नंबर्स में जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको नहीं, हमारा जो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। ज़ीरो में कोई नंबर प्लस नहीं होगा तो ज़ीरो, टू में ज़ीरो प्लस करेंगे तो टू, यानी कि कोई नंबर प्लस नहीं होगा तो टू ही रहेगा। फाइव फाइव एंड टू टू। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय नाइन, नाइन ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, फोर ज़ीरो ज़ार ज़ीरो। वंस नंबर की कंप्लीट हो गई का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट मूव करने से पहले हमने ज़ीरो के नीचे मल्टीप्लाई का साइन, अब हमने फाइव को पहले नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फाइव को फोर से। फाइव नाइन ज़ार फोर्टी फाइव, फाइव इज़ हेयर एंड फोर जो है वो आपका कैरी ट्रांसफ़र हो गया। फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी, ट्वेंटी में फोर प्लस ओके ट्वेंटी फोर। जी बच्चों, हमारी मल्टीप्लिकेशन एंड हो चुकी है, अब हम लास्ट स्टेप इसको प्लस करने का करेंगे। ज़ीरो में कोई नंबर प्लस नहीं होगा तो ज़ीरो, ज़ीरो में फाइव प्लस करेंगे तो फाइव ही होगा। फोर का
के ऊपर भी कोई नंबर नहीं दिया गया और टू के ऊपर भी नंबर नहीं दिया गया तो ये एज इट इज़ 24 नीचे आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2450। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ेंगे। 08 आर 0, 07 आर 0। अब हमने टेंस प्लेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, इसलिए हम जी 6 हमने वंस प्लेस के नीचे पहले हमने मल्टीप्लाई का साइन ऐड करेंगे, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर को। 6 8s are 48 में 8 इज़ हेयर, 4 गोज टू कैरी, अब ये 4 हमारा कैरी है। 6 7s are 42 में कैरी जब प्लस हो जाएगा तो 46, हमने 46 को होल राइट किया क्योंकि 7 की बैक पे 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं दिया गया, अगर 100 प्लेस पे कोई नंबर होता तो हम उसको कैरी ट्रांसफ़र करते। लास्ट स्टेप हम प्लस करेंगे, 0 में 0 कोई नंबर प्लस नहीं, 0 8 में 0 प्लस करेंगे तो 8, 6 6 और 4 4, तो आंसर आ गया 4680। प्यारे बच्चों ये था आज का आपका बुक के ऊपर काम, ये 4 क्वेश्चंस हैं क्योंकि डबल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आज हमने की है और इसी की आप प्रैक्टिस भी करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।